भूमध्य समुद्र और रेगिस्तान में तीन धाराएं उद्भव हुई और कहा जाता है कि वामन अवतार में जब शुक्राचार्य की आंख फोड़ी थी तब से उनको विष्णु के प्रति और विष्णु की जो सर्जन है उसके प्रति थोड़ी नाराजगी थी और वो जो है रेगिस्तान चले गए थे और वहाँ वो इतने शक्तिशाली थे कि सारे स्थानिक देवताओं को जीत लिया था और एक ही देवता को रहने दिया था और जिसको अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है। तीन धारा है, हम सब उनका नाम जानते हैं इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। तो उनको हम एक ईश्वरवादी कहते हैं कि एक ईश्वर है और जो ऊपर है वो उंगली एक उंगली जो है आकाश की ओर करते हैं कि वो ऊपर है, वो वहीं रहता है। एक धारा कुछ अलग कहती है, दूसरी धारा कहती है कि हम स्वर्ग में जाएंगे क्योंकि हमारा जो ईश्वर का दूत जो था, ईश्वर का पुत्र जो था, वो सूली पे चढ़ गया इसलिए हम उसका गुणगान करेंगे तो उसके अनुसार करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, नर्क में नहीं जाएंगे। और तीसरी धारा कहती है कि जो लेटेस्ट है कि हमारे जो राहबर है उसके अनुसार तुम नहीं चलोगे, उसके अनुसार कार्य नहीं करोगे और जहाँ जहाँ पंचदेव की पूजा होती है, हम सनातनी लोग पंचदेव की पूजा करते हैं, चाहे हम बुद्धिस्ट हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, हिंदू हो या कोई भी पंथ वाले हो, हम बेसिकली मूर्ति पूजक हैं और सामान्य तौर से पुनः जन्म में विश्वास रखते हैं और हम हमारे जो शव को हैं जला देते हैं और जो नहीं जलाते वो भी विष्णु की या ऐसी पूजा करते हैं। तो हम पुनः जन्म में विश्वास करते हैं, हम हमारे कर्म में विश्वास करते हैं और मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं और बहुदेववाद में मानते हैं। और हम ये मानते हैं कि हम ईश्वर से साक्षात संवाद कर सकते हैं और ईश्वर हमें दर्शन दे सकता है, ईश्वर हमें मार्गदर्शन दे सकता है और उसके लिए हमें किसी और माध्यम की, पंथ की, पथ की जरूरत नहीं है। हमारे जो गुरु मार्ग में देवता हैं या पूजन पद्धति हैं उससे हम जो परम परमेश्वर है, परमात्मा है, जो ब्रह्म है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं और हम भी देवता बन सकते हैं। तो ये गुंजाइश है। स्वर्ग और नर्क जो है एक टाइम बाउंड है, कभी हम स्वर्ग में भी जाते हैं, नर्क में भी जाते हैं, दूसरे लोक में भी जाते हैं और जन्म भी होता है, वो अनंत तक वो नहीं होता है कि आप स्वर्ग में गए तो अनंत तक रहे, नर्क में गए तो अनंत तक रहे, नहीं ऐसा नहीं, वो साइक्लिक होता है। हाँ, इस जो धारा है पंचदेववाद, पंचदेव जो पूजन है और जो एक देव पूजन है उसमें युद्ध है और उस युद्ध में चाहे हम सनातन में विश्वास करें ना करें लेकिन हमारी जीवन ये धरती और शरीर छोड़ने के बाद का जो जीवन है या जो समय है या जो कुछ है वो दाव पे है। शुक्राचार्य जो है वो नाराज हो गए, वो वहीं चले गए और ब्रह्मा का जो मुख जो कट के गिरा था वो भी वहाँ चला गया, उसने नया वेद रचा, ऐसा ऐसी किंवदंतियाँ हैं। तो इन सभी का मूल जो है हमारे दृष्टि से उसी में है। कभी भी उनके जो भूमध्य समुद्र रेगिस्तान के जो ईश्वर हैं उनके सन्मुख नहीं हुए हैं, उनको दर्शन नहीं देते हैं और जिसने भी दर्शन किया है उसने तीन तीर दूर रह के दर्शन किया है और उसकी एक ही आँख है। तो आप सोच लीजिए एक आँख किसकी है और कौन वो कहता है कि मैं तुम पे नाराज भी हो सकता हूँ अगर तुम मेरी पूजा नहीं करोगे तो एक ही है, यही बखर जंतर है। इसलिए भूमध्य समुद्र के तीनों धारा के कौन अच्छा है कौन बुरा है, लोग अच्छे हैं लोग बुरे हैं उसमें हमें नहीं पड़ना है क्योंकि उन्हीं में से
बहुत कुछ लोग हमारे बीच मिल गए और हमारी जो धारा थी उसमें भी उसने विकृति उत्पन्न की है। लेकिन एक बात ये ध्यान में रखना कि ये जो सनातन धारा है वो सतत बहती रहती है। हम ईश्वर के पूजक हैं, हम बहुदेववादी हैं, हम ईश्वर से अपने जीवन में खुद बातचीत कर सकते हैं, देख सकते हैं और ईश्वर हमें मिलते भी हैं। और हम सभी की स्वतंत्रता का स्वागत करते हैं। तो जो अगर कुछ दाव पे है तो हमारा ये जीवन और अगला जीवन है, इसलिए धर्म के पथ पे रहिए, बहुदेव की पूजा कीजिए और बाकी का विष्णु पे छोड़ दीजिए। ओम श्री विष्णुवे नमः। विष्णु विष्णु विष्णु। हमारे संरक्षण में सबसे बड़ी बाधा है तो जाति है, और जाति के संरक्षक हैं। हमें उनके साथ नहीं उलझना है, हमें अपने आप को बचाना है। और हम अपने आप को तब बचा पाएंगे जब हम अपना परिवार मजबूत करेंगे, हम अपनी पूजा पद्धति मजबूत करेंगे, हम अपना विश्वास दृढ़ रखेंगे और शिव की उपासना करेंगे, दुर्गा की उपासना करेंगे, सूर्य की उपासना करेंगे, गणपति की उपासना करेंगे और विष्णु की उपासना करेंगे। ये जो पंचदेव हैं, पंचदेव की हम उपासना करेंगे, हमारे कुल को मजबूत करेंगे, गांव को मजबूत करेंगे और राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। लेकिन राज्य के साथ हमें उलझना नहीं है, किसी धर्म विभूति के साथ हमें उलझना नहीं है, किसी संप्रदाय या किसी भी मजहब के साथ हमें उलझना नहीं है। हमें अपना जीवन और जो मृत्यु है उसके बाद की जो अवस्था है उसी को सुचारू करने के लिए आज से अभी से किसी भी प्रपंच में बिना पड़े, आप चाहे मीट खाओ या ना खाओ, आप ये करो या वो ना करो, उस पचड़े में बिना उलझे शुद्ध सात्विक तरीके से उपासनाएं करनी है और ये जीवन पूर्ण भोग के साथ जीना है। हम कहते ही हैं ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। हम काम को कैसे छोड़ते, हम धर्म को कैसे छोड़ते, भोग को कैसे छोड़ते, अर्थ को कैसे छोड़ते, इन सब के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्यादा ज्यादा इच्छाएं मत कीजिए, जो हो सकता है वो कीजिए। ये युद्ध जो है लंबा चलने वाला है और हमारी धारणा कभी भी पूर्ण प्रलय की नहीं है, कुछ न कुछ बच जाता है और उसमें से नवीन सृजन होता है। कभी भी पूर्ण प्रलय नहीं होता है और भूमध्य समुद्र रेगिस्तान की धारा में पूर्ण प्रलय की धारणा है, वो अवधारणा सही नहीं है और कभी भी पूर्ण प्रलय नहीं होता है। अगर प्रलय हो जाता तो ये जो जीवन है नहीं बचता, जीवन रूपांतरित होता है, उसके लिए प्रलय की जरूरत होती है। लेकिन वो पूर्ण प्रलय नहीं होता है, थोड़ा तो बच जाता है, बस यही सत्य है। कुछ भी उलझन में पड़े बगैर जितना हम पूर्णता से जिएंगे, जितना सार्थकता से जिएंगे, सारा भोग करते हुए भी हम ये जो हमारी धरोहर है, स्तोत्र है, प्रार्थना है, पूजा है, मंत्र है, हवन है, तीर्थाटन है और परिवार का संरक्षण है, स्व का संरक्षण है, औषधियाँ है, वो सब सेवन करते करते हमारा जितना भी जीवन है हम जिए, पूर्णता से जिए। जैसे अपना सूत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात्मा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बस इतना ही, शिव का शासन है।
शिव का शासन है।